गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ. टुडे वी रीड चैप्टर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर सिक्स माई चाइल्डहुड APJ अब्दुल कलाम. वी स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 71 पैराग्राफ 7 फ्रॉम हियर. वी हैव रीड अप टू नाउ दैट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि हाउ द सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज सो सेग्रीगेटेड बट दे वियर मिंगल विथ ईच अदर. से लोग तो अलग थे लेकिन एक दूसरे से कैसे घुले मिले रहते थे. यहाँ हम आगे देखते हैं कुछ चेंजिंग आएगा. यहाँ स्कूल में एक टीचर आती है, नए टीचर, और किस तरह से कलाम के साथ ट्रीट करती हैं, कलाम को ट्रीट करती हैं, और इसका क्या असर होता है बच्चों के दिमाग पर, माइंड पर, और इसके बाद उनके साथ कैसी घटना घटती है हम इस चैप्टर में देखते हैं, पैराग्राफ में देखते हैं, 7 पैराग्राफ में. आफ्टर स्कूल यू वेंट होम. हम लोग घर गए एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स. अपने अपने रिस्पेक्टिवली मैंने क्रमशः अपने अपने माता पिता से कहे अबाउट द इंसिडेंट. व्हाट वाज द इंसिडेंट? द न्यू टीचर्स कुड नॉट स्टोमिक. देखिए स्टोमिक जो है कुड नॉट टॉलरेट, इस चीज़ को सह नहीं सके. ये सब फ्रेज है जैसे आप लोग देखेंगे. स्टोमिक का मतलब तो पेट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं. जैसे यहाँ आप देखिएगा पेज नंबर 76 में, आप देखिए सेकंड पार्ट में, मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विथ द मीनिंग इन कॉलम बी. जैसे देखिए कुड नॉट स्टोमिक, वाज नॉट एबल टू टॉलरेट, वो सह नहीं सके, पचा नहीं सके. तो इसको हम लोग को नॉट स्टोमिक को कैसे किससे मैच कर देंगे. वाज नॉट एबल टू टॉलरेट, वो सक्षम नहीं हो पाए सहन करने में, इस चीज़ को बर्दाश्त करने में. अब उसी तरह से देखिए इस फ्रेज को उठाइए. इसमें फ्रेज का इसका मीनिंग बी पार्ट में दिया, मैच कराना है. ब्रोक आउट बिगन सडनली इन वायलेंट वे. स्टार्ट हो गया अचानक, सडनली मैंने अचानक भयानक रूप से शुरू हो गया. जैसे आप लोग यहाँ पढ़े होंगे द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939. ब्रोक आउट बिगन सडनली इन वायलेंट वे 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया. इस तरह से आप सारी चीज़ को मिला सकते हैं. इन अकॉर्डिंग्स विथ अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर रूल प्रिंसिपल और सिस्टम, किसी खास नियम सिद्धांत या व्यवस्था के अनुकूल. ए हेल्पिंग हैंड किसी को मदद कर देना, तो असिस्टेंस देखिए हो गया. जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट मैंने उदारता है, तो एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस. ए रेडीनेस टू गिव फ्रीली मैंने एकदम मुक्त हाथ से किसी को देने के लिए तैयार रहना, जेनरोसिटी. फिगर ऑफ अथॉरिटीज पर्सन विथ पावर टू मेक डिसीजन, जो डिसीजन लेती है. तो ये इंडिविजुअल पार्टिकुलर वर्ड को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे तो रियल मीनिंग नहीं लग पाएगा. एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड ऑर्डर है वर्ड शब्दों का, वर्ड्स का, जिनका एक स्पेशल मीनिंग हो जाता है, जो हम लोग इस हर जगह पार्ट टेक्स्ट में अलग अलग जगहों पर जगह पर देखने को आपको मिलेगा. जैसे आप देखें फिगर ऑफ अथॉरिटी, देखिए यहाँ पर चैप्टर थी आप पैराग्राफ 4 में पढ़े होंगे. फिगर ऑफ अथॉरिटी ट्रेंड इन सर्टेन वे बाई फिगर ऑफ अथॉरिटी, मैंने जो पावर में रहते हैं परिवार में या जो भी है समाज में, उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है. ए पर्सन विथ है ना, ए पर्सन विथ पावर टू मेक डिसीजन ना.
तो इस तरह से आप फ्रेज को भी देखिए, सर्च कीजिए कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं उसको देखना। तो आफ्टर स्कूल वी वेंट टू इवेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट्स। हम लोग घटना के बारे में बताए जो घटना घटी थी स्कूल में। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन किए, बुलाया उन्होंने टीचर को, सम्मन मैंने बुलावा भेजना, सम्मन कॉल किए, सम्मन किए। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हम लोगों की उपस्थिति में, प्रेजेंस प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंस नाउन है तो आवर प्रेजेंस, टोल्ड द टीचर, उन्होंने टीचर से कहा कि दैट ही शुड नॉट स्प्रेड, ये किसके लिए टीचर क्या स्प्रेड फैलाना चाहिए द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मैंने समानता, इनइक्वालिटी मैंने असमानता को नहीं फैलाना चाहिए। एंड कॉमनल इंटॉलरेंस, असहिष्णुता को, टॉलरेंस मैंने सहनशीलता, इंटॉलरेंस मैंने असहनशीलता को, कॉमनल मैंने सांप्रदायिक असहिष्णुता को नहीं फैलाना, असमानता और सांप्रदायिक जिसने होता है हिंदू मुस्लिम वाला जो भेदभाव सांप्रदायिकता जो है इसको नहीं फैलाना चाहिए क्लास स्कूल में बच्चों के दिमाग में। ही ब्लंटली, उन्होंने स्पष्ट रूप से, ब्लंट रूडली एकदम कड़ाई से कड़े शब्दों में उन्होंने कहा, आस्क्ड द टीचर टू आइदर एपोलाइज कीजिए, एपोलाइज का मतलब है क्षमा की मांगिए, तो क्षमा मांग लीजिए, और क्विट द स्कूल एन आइलैंड, या दो ऑप्शन है, या तो क्षमा मांगिए या पोलाइज कीजिए, और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या स्कूल को और टापू को ही छोड़ दीजिए, टापू यही जो रामेश्वरम, यहाँ देखिए रामेश्वरम जहाँ लोग रहते हैं, रामेश्वरम यही जगह है, टापू यही निवास अब्दुल कलाम का बचपन यही बीतता है, फिगर में आप देख सकते हैं, बाद में आपको इंडिया के मैप को थोड़ा बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है रामेश्वरम आइलैंड है, चले जाइए अभी। नॉट ओनली डिड, देखिए नॉट ओनली से जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो देखिए डिड को क्या कर दिया बाहर, नो सूनर डिड आई बिगिन द टीचिंग देन द सम स्टूडेंट स्टार्टेड सम स्टूडेंट मेकिंग नॉइज इन द क्लास, स्टार्टेड मेकिंग नॉइज इन द क्लास, उन्होंने शोरगुल करना शुरू कर दिया। तो नो सूनर डिड स्कार्सली हार्डली या इस सब तरह का जो भी रहे, तो हम लोग जल्दी घर को बाहर कर लेते हैं स्ट्रेस देने के लिए, जोरदार बनाने के लिए, इम्फैटिक बनाने के लिए। तो नो सूनर डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, तो केवल उन्होंने अपने व्यवहार से अफसोस ही नहीं किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब देखिए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ मैंने विश्वास, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जैसे सेंस ऑफ ड्रेस, सेंस ऑफ अर्जेंसी से बहुत ज़रूरी है, कोई काम उनको करना है सेंस ऑफ अर्जेंसी को लेकर के करना चाहिए, होना चाहिए आवश्यक है, ज़रूरी है, इस बात का बोध होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वे अल्टीमेटली, बल्कि उन्होंने विश्वास का जो सेंस ऑफ कन्विक्शन जो है, एक विश्वास के जो समझ को लक्ष्मण शास्त्री जो उन्होंने कहा कन्वे अल्टीमेटली परफॉर्म द यंग टीचर्स, अल्टीमेटली जो उन्होंने जो कहा अंततः रिफॉर्म कर दिया, रिफॉर्म का मतलब सुधार दिया, इम्प्रूव कर दिया, है ना, रिफॉर्म दिस यंग टीचर, इस यंग टीचर ने सुधार ला दिया। आई एलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री के बगल में, देखिए बैठते थे यहाँ शास्त्री जी सब पंडित जी लोग, इसमें एक कलाम साहब
ऑन द होल पूरे मिला कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए ऑन द होल ऑन द लार्ज ऑन द होल ये भी इडियोमेटिक है, ऐसे ही लिख देंगे ऑन द होल पूरी तरह से अगर देखें द स्मॉल सोसाइटी अगर समग्र रूप से देखा जाए जनरल रूप से अगर देखा जाए तो स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये स्मॉल सोसाइटी जो छोटा सा समाज रामेश्वरम का था बहुत रिजिड था कठोर इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन किस संदर्भ में सेग्रीगेट मैंने अलग अलग ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप में बटा हुआ था अलग अलग ग्रुपों में। हाउएवर माई साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर हालांकि मेरे साइंस टीचर सुब्रमण्यम अय्यर दो यद्यपि एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ ए वेरी कंजर्वेटिव लाइफ यद्यपि वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थे पुराणपंथी थे पुराने विचारधारा को परंपरावादी जो ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले वाज वेरी कंजर्वेटिव और बहुत रूढ़िवादी थे मतलब मॉडर्निटी नहीं थी उनके अंदर आधुनिकता नहीं था ट्रेडिशनल थिंकिंग था उनके पास। फिर भी माई साइंस टीचर अय्यर जो थे ये तो थे ही वाज समथिंग ए रिबल लेकिन इसमें उनको एक विद्रोह की भावना हो जाती थी क्या ये सब बकवास इतना पुराण पंथी विचार लेकर के चलना। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक है ना उन्होंने किया बहुत प्रयास किया बेस्ट किया जैसे आई डू माई बेस्ट टू टीच माई स्टूडेंट मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड दिस दियर चैप्टर्स वेरी स्मूथली वेरी क्लियरली वेरी ऑब्वियस ताकि वो बहुत स्पष्ट रूप से सही तौर तरीके से समझ सकें बड़ी आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर भी ये शास्त्री जी ऑर्थोडॉक्स तो थे ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण भी थे वेरी कंजर्वेटिव वाइफ थी पत्नी तो बहुत कंजर्वेटिव थी लेकिन ये बेचारे थोड़ा विद्रोह करते थे दोनों का नेचर यहाँ अपोजिट है पति पत्नी का एक तो बहुत कंजर्वेटिव है पुरानी विचारधारा की है एक में इस पर विरोध की भावना है कि नहीं। तो ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपुल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स उन्होंने किया इस सामाजिक जो बैरियर है एक बंधन है बार लगा दिया बैरियर को ब्रेक करने का कि दैट की पीपुल फ्रॉम वेरिंग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते वेरियस होता है ना विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड से इन वेरिएबल वेरी वेरिएबल कॉन्स्टेंट पर है ना आप लोग वेरिएबल बी ए आर वाई ए बी एल वाई को आई करके ए बी एल वेरिएबल हो गया आई हैव वेरी है वर्ब है आई एंजॉय डियर फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली मिंगल का मतलब मिक्स हो जाए मिल जाए एक दूसरे से घुल मिल जाए है ना इजीली ही यूज टू स्पेंड आवर विथ मी रिपीटेडली हैपन इन द पास्ट बार बार पास्ट में होता था रेगुलरली हैपन इन द पास्ट यूज टू का प्रयोग जानते ही होंगे आप ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी मेरे घंटों हमारे साथ बिताते थे एंड वुड से और कहा करते थे कि वुड का यूज टू का वुड से भी हम लोग हैबिट शो करते हैं है ना कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो दैट यू आर पार कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम डेवलप करो ताकि सो दैट यू आर ऑन पार विथ मैंने पैरिटी उसके लेवल में हो जाओ हाईली एजुकेटेड सोसाइटी बिलो पार देखिए बिलो पार एबव पार ऑन पार मैंने उसके एकदम बराबर में इसमें बिलो लिख सकते हैं बिलो मैंने नीचे मैंने एबव मैंने ऊपर एबव पार बिलो पार ऑन पार मैंने उसके समकक्ष हो जाओ पार विथ इससे आ तो हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी बड़े बड़े शहरों में जो खूब पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके तुम लेवल में चले जाओ मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो अपने आप को डेवलप करो भाई चाहते थे बच्चा भी है ना ये अच्छे टीचर का गुण होता है कि वो चाहे कि बच्चे बहुत आगे बढ़े तो इनमें
शिव सुब्रमण्यम अय्यर में, शिव सुब्रमण्यम अय्यर देखे नहीं हैं सर यहाँ पर, अय्यर साहब शिव सुब्रमण्यम अय्यर वाइफ उनकी पत्नी है, कंजर्वेटिव है लेकिन बाद में इनको बदल देते हैं पंडित जी, टुक हिम इनसाइड ले जाती है हर किचन एंड सर मी फूड मी, यहाँ कलाम साहब को भोजन कराती है। आप लोग पढ़े भी होंगे, देखिए बड़ी अच्छा है इसमें, है ना। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज, एक घटना देखिए घटती है यहाँ चैप्टर हम लोग देख पैराग्राफ 9 में देखिए। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम, एक दिन उन्होंने मुझे इन्वाइट किया फॉर ए मील के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय, पत्नी बहुत हॉरर हो गई, भयभीत हो गई भाई इस विचार से कि एक मुस्लिम लड़का बींग इन्वाइटेड टू डिनर इन हर रिचुअल प्योर किचन, आज बींग इन्वाइटेड मुस्लिम बुआ को इन्वाइट किया गया है, पैसे का स्ट्रक्चर है मुस्लिम बुआ बींग इन्वाइटेड, खुद नहीं ना कोई इन्वाइट किया होता हो जाता है, दूसरे के द्वारा इन्वाइट किया जाता है, इसलिए पैसिव ले लिया बींग इन्वाइटेड, बी प्लस बी थ्री ये मुस्लिम बुआ हुआज बींग इन्वाइटेड, इन्वाइट किया गया था इन्वाइटेड टू डी टू डाइन डिनर के लिए इन हर रिचुअल प्योर किचन। देखिए रिचुअल प्योर किचन का मतलब यह केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंस, रखा जाता है सुरक्षित बाहरी प्रभावों से, फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिलीजन, मैंने धर्म की पालन करने के लिए, मैंने रीति रिवाज है एकदम प्योर, जैसे अपना किचन है इसमें मुस्लिम कलर का कैसे आ जाएगा, थोड़ा होता है ना कंजर्वेटिव सोच वाले लोग, पत्नी बहुत कंजर्वेटिव थी लेकिन पंडित जी जो साइंस टीचर थे, इसे भी साइंस वाले लोग तो भाई लिबरल होती हैं, ओपन माइंडेड होती हैं, लेकिन वाइफ बिल्कुल अपोजिट है, सोची कि भाव है कैसे आएगा आज बी इन्वाइटेड टू डील इन हर रिचुअल, रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज जो होते रिचुअल प्योर किचन में आएगा आज, सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, मी इसके लिए आया है कलाम साहब के लिए, इनकार कर दे कि नहीं मैं भोजन नहीं करूँगी, सर्विस सर्व करना, सर्व से ही तो सर्विस बनता है सेवा, सर्व करना मीन और किचन। सुब्रमण्यम मैयर शिव सुब्रमण्यम मैयर साहब वाज नॉट पर्टर्ब, लेकिन वो घबराए नहीं, अपसेट नहीं, और नॉट डिड ही, देखिए फिर नॉर से हुआ डिड बाहर आ गया, आ जाता है नॉट ओनली, जब शुरू करेंगे नॉर से नॉट ओनली से डिड बाहर कर देंगे, एक्चुअली भर बाहर हो जाएगा। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, नहीं वो घबराया ना पत्नी से, गुस्सा किए, अच्छे आदमी लोग गुस्सा नहीं करते, छोड़िए उनका अपना अपना आइडिया है विचार है ठीक, बट इंसिस्टेड, लेकिन उन्होंने हट किया है ना, रुके अरे रहे और अर गए उस पर बात पर, अर गए डिटरमाइंड हो गए, और सर्व मी विथ हिज ऑन हैंड, और उन्होंने अपने हाथों से मेरी मुझको भोजन कराया, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, और बैठ गया मेरे बगल में, जैसे देखें ना बगल में, बिसाइड का मतलब बगल में, यहाँ बिसाइड प्रीपोजिशन है, मी ऑब्जेक्ट हो गया बिसाइड, सेट डाउन बैठ गए, ट्वीट खाने के लिए हिज मील, अपना भोजन करने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी बात पत्नी हम लोग को बड़ी बारीकी से, तो वॉचिंग का मतलब ध्यान से देखना, वॉच्ड अस हम लोगों को देखी फ्रॉम बिहाइंड द किचन, एकदम किचन के पीछे से वो देखी, किचन डोर दरवाजा पर छिप करके ना लेडीज लोग अपना देखता है। आई वंडर वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस, आई वंडर, मैं थोड़ा सोचा आश्चर्य हुआ हमको कि क्या वेंडर इफ या वेदर का प्रयोग, वेदर सी हैड ऑब्जर्व, वेदर है ना नाइजेशन में आप बनाते हैं वेदर, वेदर सी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंस, क्या उसने कुछ देखी ऑब्जर्व की एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, जो मैंने चावल खाया, ड्रिंक वाटर फॉर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, और फ्लोर को साफ किया गया मेरे भोजन करने के बाद। हेन वाई वॉज लिविंग द हाइज हाउस,
जब मैं घर छोड़ा, शिवसुब्रमण्यम मैयर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। कहा कि अगले वीकेंड में आओ, वीकेंड मीन्स वीक, देखिए वीक एंड मैंने खत्म, जब सप्ताह खत्म हो जाता है मतलब सैटरडे और संडे को वीकेंड कहा जाता है, अगली बार आओ, फिर आओ। उन्होंने इन्वाइट कर दिया, फिर निमंत्रण मिल गया। ऑब्जर्विंग माई एजिटेशन, मेरे हेजिटेशन को देख करके उन्होंने ऑब्जर्व करते हुए हिचकिचाया, मैंने थोड़ा सकसकाया कि भाई देखो आ जाए तो पत्नी कैसे कर दी सर की मैडम। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा कि देखो तुम अपसेट नहीं हो, नर्वस नहीं हो, घबराओ नहीं, गेट अपसेट मैंने घबराओ नहीं, नर्वस मत हो। सेम कहते हुए वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुम निर्णय कर लो कि सिस्टम को बदलना है तो बदलना है, तो सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। फ्रंट मैंने सामना करना, और कन मैंने सामने, तो इस तरह का आएगा ही समस्या, करना पड़ेगा। हैव टू बी कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम, हैव टू बी पैसिव का स्ट्रक्चर टू बी, देखिए कन्फ्रंटेड, जैसे यहाँ देखिए पैसिव में मुस्लिम हुआ बींग इन्वाइटेड, मुस्लिम हुआ बींग इन्वाइटेड, खुद तो इन्वाइट नहीं, उसको इन्वाइट किया गया था, है ना, यहाँ भी करना पड़ता है। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट, दूसरा सप्ताह में गया, शिवसुब्रमण्यम अय्यर वाइफ टूक मी इनसाइड हर किचन, देखिए शिवसुब्रमण्यम वाइफ टूक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड, और मुझको भोजन कराई। देखिए खा रहे हैं दोनों, अय्यर साहब और कलाम साहब, पत्नी खुद से भोजन परोस रही है, खिला रही है, देखिए फिगर में इसी चीज़ को दिखाया गया है। अय्यर्स वाइफ टूक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने भोजन कराया। देखिए सिस्टम को चेंज करने के लिए कितना जूझना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, कन्फ्रंटेशन होता है, कंग मैंने टुगेदर अप फ्रंट मैंने सामने, तो दोनों सामने सामने आना होता है तब तो चेंज होगा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, अब देखिए 1939 में हम लोग देखा कि सेकेंड वर्ल्ड शुरू हुआ, और आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही, विश्व इतिहास में आप पढ़ेंगे, नाइन्थ क्लास में तो मिलेगा ही। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर एन इंडियन फ्रीडम वाज इमिनेंट, इमिनेंट मानी अवश्य निश्चित हो गया, दैट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून इन द फ्यूचर, इमिनेंट का मतलब जो भविष्य में होना एकदम अब तय है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो गई और इंडिया की आज़ादी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार लगभग समाप्त हो जाता है, ड्रॉपिंग टू एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी द सिटी ऑफ जब टू इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ जापान, एक 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने गिरने के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया। 45 में ख़त्म होता है 1945 में, और 1947 में 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हो गए, तो अब तो आज़ादी मिलना ही था, अंग्रेज लोग भी कमज़ोर हो चुके थे। इंडिया विल बिल्ड दियर ओन इंडिया, इंडियंस विल, भारतीय अपना भारत को बनाएंगे, इंडियंस विल बिल्ड दियर ओन इंडिया, डिक्लेयर गांधी जी, गांधी जी ने घोषणा किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अन मन नहीं प्री मैंने पहले एक्सीडेंट मैंने इस तरह का उदाहरण, मतलब अभूतपूर्व आशा से, ऑप्टिमिज्म का मतलब आशा, सबों के अंदर पूरे देशवासियों के अंदर अभूतपूर्व आशा जग गई कि अब हम लोग देश आजाद होंगे और अपने भारत का निर्माण हम खुद अपने हाथों से करेंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लिव रामेश्वरम एंड स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंदपुरम, मैंने पिता से पूछा, रिक्वेस्ट किया कि लिव जाने के लिए रामेश्वरम, लिव रामेश्वरम को छोड़ने के लिए, लिव रामेश्वरम, रामेश्वरम को छोड़ने कर एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मैंने जिला मुख्यालय में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर
रामानंदपुरम में पूछा, आदेश लिया है ना। रामानंदपुरम यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखे फिगर में, आप रामानंदपुरम रामेश्वरम, रामानंदपुरम रामेश्वरम है, यहाँ से पूरा ही रामेश्वरम ही कह लीजिए है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपना होता है, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉपीराइट। 11th लास्ट पैराग्राफ, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, तो उन्होंने कहा कि वो सोचते हुए अलाउड मैंने जोर से, मानो कि जोर से सोच रहे हो। अबुल देखो, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुमको जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, अभी दूर जाना होगा टू ग्रो, जीवन में ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस, इन्वर्टेड कॉमा में है देखिए, यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में है। इन्वर्टेड कॉमा का जो स्टेटमेंट होता है जनरली आपको उसी टेंस में, प्रेजेंट सिंपल में हम लोग कोट कर रहे हैं, अर्थात तो उसी वक्त है इसका टेंस, तो पास्ट में जाएगा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में आ गया है। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस दिस सन, क्या सीगल समुद्री पक्षी है, नॉट फ्लाई अक्रॉस दिस सन मैंने नहीं उड़ती है पूरा इस ओर से उस ओर तक, छोर तक, सूर्य आसमान के नीचे, एलोन अकेले विदाउट ए नेस्ट, बिना किसी घोंसले के नहीं उड़ती है, तुमको भी उड़ना है। और यहीं असर फ्रॉम रामेश्वरम टू रायसीना हिल अर्थात दिल्ली की गति पर यासीन होते हैं, एंड ही अचीव द हाइएस्ट सिविलियन, हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ दिस कंट्री भारत रत्ना। द लिटिल चाइल्ड ऑफ ए विलेज फ्रॉम रामेश्वरम टू ट्रेवल रामेश्वरम टू मीनिंग जर्नी रामेश्वरम टू दिल्ली रायसीना हिल and decorated and gave a feathers in the post of president के post को उन्होंने बहुत सुशोभित किया, decorate किया, and got the highest civilian award of this country भारत रत्न। असर होता है बच्चों के जीवन में, inspire करते हैं माता पिता गुरुजन आगे बढ़ने के लिए, बच्चा पर इसका इम्प्रेशन होता है। और किया ही कोटेड, उन्होंने कोट किया, रिपीट किया, उद्धृत किया, कोट किया, रेफरेंस दिया, नहीं कहते महात्मा गांधी सेड कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा, तो ही कोटेड खलील जिब्रान को, खलील जिब्रान को कोट किया। कोटेशन लिखते हैं ना, कोटेशन इसी से ना कोटेशन बनता है, कोटेड खलील जिब्रान को उद्धृत करना, उनका हवाला देना, खलील जिब्रान बहुत बड़े थिंकर, जिब्रान साहब, टू माई हेजिटेंट मदर्स है ना, जिब्रान साहब कहते हैं मेरी माँ को जो हिचकिचाई हुई थी, उसको डर था मैं बाहर जाऊँगी, माँ का तो प्यार ममता बच्चों से अलग होना नहीं चाहता है, तो हेजिटेशन था, हेजिटेंट है ना, यहाँ हेजिटेंट हेजिटेट था ना, यहाँ पर हेजिटेशन देखिए, हेजिटेंट इसी सब एक ही वर्ड का है लगभग, हेजिटेंट मदर, हेजिटेशन टेंट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, चूँकि मदर आगे है नाउन है, तो हेजिटेंट है ना, हिचकिचाती हुई ये डाउटफुल माँ को उन्होंने कहा, खली जिब्रान को कोट करते हुए, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, योर चिल्ड्रेन आर योर चिल्ड्रेन, ऐसा नहीं, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं, दे आर द सन सन डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ, लॉन्ग फॉर मैंने इच्छा रखना, अपने जीवन के प्रति इच्छा रखना कि हमको खुद क्या करना है, दे आर द सन सन द डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ, ये बच्चे हैं बच्चियाँ जो लड़के लड़कियाँ हैं
बेटा बेटी जो हैं, सन्स एंड डॉटर्स, लड़की नहीं गर्ल्स हो जाता है, डॉटर्स मैंने बेटी, बेटा बेटी जो हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मैंने इच्छा ऑफ इट सेल्फ, इन लोगों की अपनी इच्छा और उसी के बच्चे पूरा करना। दे कम थ्रू यू बट नॉट फॉर मी, ये तुम्हारे माध्यम से धरती पर आया, तुम्हारे नॉट फ्रॉम यू, तुमसे नहीं हुए, मतलब दे आर कम फ्रॉम यू, कम फ्रॉम गॉड, यू आर द मीन्स वन, माता पिता तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चा धरती पर आता है, ओरिजिन तो गॉड ही है ना। थोड़ा सा गंभीर है, देखिए खल जिब्रान का स्टेटमेंट है, बहुत बड़े थिंकर हैं यहाँ, देख इनके लिए है, सन्स एंड डॉटर के लिए तो दे कम थ्रू यू, ये तुम्हारे माध्यम से आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुमसे नहीं आए, क्यों, क्योंकि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे, ये तो अपना दिल की इच्छा है, इनको जीवन में कुछ करना है, बढ़ना है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव देम योर लव, तुम इन लोगों को अपने सन्स एंड डॉटर्स को, अपने बच्चों को, बेटा बेटी को प्रेम दे सकती हो, प्यार दे सकती हो, स्नेह दे सकती हो, बट नॉट योर थॉट, लेकिन अपना विचार नहीं दे सकती, क्योंकि उनका अपना एक इच्छा है ना, लॉन्गिंग है, डिजायर है। आज हम थोप देते हैं बच्चों पर कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये क्या मतलब, अगर उसको साहित्य में, लिटरेचर में, लिटरेचर करेगा, बहुत क्षेत्र है जिसमें जो करेगा, ज़बरदस्ती इम्पोज करेंगे तो अपोज करेगा, अगर थोपेंगे तो उसका विरोध करेगा, ऐसी इम्पोज और अपोज में, इम्पोज मैंने थोपना, अपोज मैंने विरोध करना, लाइफ बीत जाता है, जीवन में आनंद नहीं आ पाता। इसलिए कहने का मतलब है कि हम बच्चों पर इंडिपेंडेंटली छोड़ दें कि तुम अपना करियर, तुम अपना लॉन्गिंग जो है, इच्छा, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, लाइफ का जो डिज़ायर है उसको पूरा करो, लाइफ का डिज़ायर के ही तुम बच्चे बेटे बेटी हो तुम ना, अपनी इच्छा है बस उसको पूरा करना, लक्ष्य मानना उसकी इच्छा के हिसाब से, ये नहीं कि तूने उसको थोप दिया अपना। फोर, क्योंकि देखिए फोर कंजंक्शन है यहाँ पर, फोर दे हैव दियर ओन थॉट, क्योंकि उनका अपना विचार भी तो है ना, आप प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, मोहब्बत कीजिए, किंतु अपने विचार को मत थोपिए अपने बच्चों पर। खलील जिब्रान के स्टेटमेंट, कलाम साहब के फादर उसकी, कलाम साहब की माँ को कह रहे हैं कि इसको जाने दो, इसको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग देन यू शुड बी रेडी टू लॉस, तो खोने के लिए भी तैयार रहिए, है ना। फोर, इसीलिए दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उन लोगों के पास अपना विचार होता है। APJ अब्दुल कलाम, एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ द फायर किताब से लिया गया है, जो इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। अगर इच्छा होगी तो आप इसको खरीद सकते हैं, दोनों मीडियम में आते हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में, हिंदी में अग्नि की उड़ान, और इंग्लिश में आता है विंग्स ऑफ द फायर, यू कैन रीड दिस नाउ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अच्छा एक मिनट, हम यहाँ अपनों को यहाँ पैसिव जो यहाँ दिया गया है कि माई पेरेंट्स रिगार्डेड एज द एज आइडियल कपल माने जाते हैं, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। यहाँ देखिए पैसिव का स्ट्रक्चर है, सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रॉन्टेड, मिला भी था, तो ये सब पैसिव है, जितना भी देख रहे हैं सब पैसिव है। पैसिव कैसे बनाते हैं, द इटैलिक्स वर्ब, इटैलिक्स में जो तिरछा लिखा गया है इसमें आप तिरछे लिखे गए हैं, द इटैलिक्स वर्ब इन द इन दिस सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ द फॉर्म, लिख रहे हैं द वर्ब बी एंड द पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, वी आर रिगार्डेड, वाज आस्क्ड, बी कन्फ्रॉन्टेड, लिखे हैं दीज सेंटेंसेस फोकस्ड ऑन व्हाट हैपेंड, क्या होता है, रादर देन हु डज व्हाट,
नोटिस द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। ध्यान दीजिए कि यहाँ डूअर करने वाला इंक्लूड नहीं किया गया। इफ नेसेसरी यू कैन मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन इन ए बाई फ्रेज। जैसे मैंगो इज ईटन बाई मी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल द ट्री वॉज स्ट्रक बाई लाइटिंग, ट्री पर गिर गया, जैसे नहीं होता है तड़का गिर गया उस पर, लड़का बिजली गिर जाती है पेड़ पर। द फ्लेग वॉज अनफर्ल्ड, झंडा को फहराया गया बाई द चीफ मिनिस्टर। अगर आप एजेंट देना चाहते हैं, डूअर देना चाहते हैं, यू कैन मैंशन द डूअर ऑफ द एक्शन इन्हें बाई फ्रेज से कर दीजिए। रिराइट द सेंटेंसेस बिलो चेंजिंग द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द पैसिव फॉर्म में बदल देना। जैसे ब्रैकेट में दिया है ना वर्ब, जिसका वर्ब को पैसिव फॉर्म में बदलिए टेंस को देखते हुए। और इसको भी कह सकते हैं हाउ हेलमेट केम टू बी यूज इन क्रिकेट, में कैसे हेलमेट का प्रयोग किया जाने लगा। आयल फ्रॉम सीट से भी आप यूज कर सकते हैं, सबको आप सब पैसिव है पहला दूसरा, और ये भी आप बना सकते हैं, है ना। पैसिव आप देख लीजिएगा, है ना। इफ दिस आई फिनिश्ड माई लेक्चर्स हियर, वीडियो लेक्चर्स हियर। वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।